हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। पिछले वीडियो में राहुल सर ने डिस्कस बेसिक्स के पॉइंट्स जैसे TDS, pH, RO वाटर और डिस्कस क्लींजिंग्स एंड थिंग्स टू कीप हैंडी इन डिस्कस कीपिंग कवर किए थे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस मिस किए हो तो उसके लिंक्स ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। इस वीडियो में राहुल सर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि वाटर चेंजेस, फिल्टरेशन, डिस्कस फिश फूड एंड हाउ टू सिलेक्ट डिस्कस फिश के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उस वीडियो में राहुल सर ने उनके लर्न एंड अर्न इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताया है, इसलिए वो वीडियो भी मिस ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही फिश रिलेटेड वीडियोज़ हमेशा लाते रहता हूँ। तो आइए अब सीधा राहुल सर से ही बात करते हैं। राहुल सर, डिस्कस कीपिंग में फिल्टरेशन एंड वाटर चेंजेस कितना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा उसके बारे में हमें बता पाएंगे क्या? यस, ज़रूर। हालांकि डिस्कस में पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो उस हिसाब से जितना आपका फिल्ट्रेशन इफेक्टिव होगा उतना आपका वाटर चेंज कम होगा। इसके साथ अगर आप और कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्कस का डेंसिटी मतलब आपके टैंक में वाटर वॉल्यूम में कितने डिस्कस है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितने एक डिस्कस के लिए कितना पानी लगेगा, मैं ये बताऊंगा अगर डिस्कस का डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका वाटर चेंज होना मैंडेटरी हो जाता है। अगर डिस्कस का डेंसिटी आपका रेजिंग टैंक है, जो रेजर्स काम करते हैं उस हिसाब से 30-40 बेबीज और सब एडल्ट्स, तो आपको वाटर चेंज इज मैंडेटरी, हाईली मैंडेटरी। एटलीस्ट 60-80% डेली होना जरूरी है। अगर आप कंजर्वेटिव एक्वेटिक्स की बात करें तो लास्ट 5 साल से हम लोग रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में काम कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग सम रॉकेट साइंस हियर, बट बेसिक बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। जिसकी शुरुआत होती है आपके स्पॉन्ज फिल्टर से। आपका स्पॉन्ज फिल्टर आपका बायोलॉजिकल फिल्टर भी है और फिजिकल फिल्टर भी है। सॉरी, फिजिकली वो बहुत सारा सस्पेंडेड मैटर एब्जॉर्ब करता है। जब भी आप फीडिंग करते हो तो आपको पता चलता है कि जो अनइटन या एकदम छोटे पार्टिकल्स है वो आपके स्पॉन्ज फिल्टर में जाके बैठ रहे, बिल्कुल अटक रहे वहाँ। और उसके आगे थोड़े दिनों के बाद, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के बारे में बताया, बायोलॉजिकल बैक्टीरिया के बारे में बताया जो टैंक में होना जरूरी है, वो आपके स्पॉन्ज टैंक स्पॉन्ज फिल्टर में एस्टेब्लिश हो जाता है। बेनिफिशियल, तो वो सबसे बेनिफिशियल, हाँ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका डिस्कस अमोनिया रिलीज करता है और अमोनिया रेडिली कन्वर्ट होना जरूरी है नाइट्राइट में। और नाइट्राइट रेडिली कन्वर्ट होना जरूरी है नाइट्रेट में। नाइट्रेट पानी में थोड़ा बहुत अमाउंट में है, थोड़ी बहुत मात्रा पानी में अगर नाइट्रेट की है तो इट इज ओके, बट आपके पानी में अमोनिया और नाइट्राइट होना एकदम ना के बराबर, इट शुड बी जीरो ऑलवेज। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। अगर आपके बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन वेल एस्टेब्लिश है, जो अपना स्पॉन्जेस है, तो मैं तो बताऊंगा कि अगर आपका डिस्कस 4 फुट के टैंक में आप रख रहे हो और उसको ग्रो कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ 1-2 बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन या 2 स्पॉन्जेस लगा दीजिए। अगर आप एक ये मंडे चेंज कर रहे हो तो दूसरा अगले मंडे चेंज करो। ये करने से आपका बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसका कल्चर मेंटेन रहेगा, बिल्कुल आपका कल्चर क्रैश नहीं होगा, बिल्कुल। और जो फिजिकली कचरा वगैरह जो है, अनइटन फूड पार्टिकल, डिस्कस फूड वेस्ट, फिश वेस्ट जो अक्यूमुलेट हो रहा है आपके सरफेस पे, स्पॉन्ज सरफेस पे, वो आपका क्लीन होता रहे, बिल्कुल। और मैंने जो बताया रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसमें एक पानी में फ्लो मिलता है, और हम जो कर रहे हैं वो दैट इज वेट एंड ड्राई फिल्ट्रेशन। और वेट एंड ड्राई में आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया वेट फिल्टर्स में भी होता है, ड्राई फिल्टर्स में भी होता है। तो मैं अब थोड़ी देर में वो भी दिखाएंगे, बिल्कुल बीच में ही मैं
डिस्कस निंजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स को उसे दिखाए। sure, तो जनरली ड्राई इसमें जस्ट पानी पास होता रहता है और हाँ। वो चेम्बर में मॉइस्चर मेंटेन होता है। okay. वेट चेम्बर कंटिन्यूसली पानी के अंदर ही रहता है। तो इसमें आपको सेमी एक्वेटिक और एक्वेटिक दोनों बैक्टीरिया का फायदा वहां पे मिलता है। बिल्कुल। और ये पानी कंटिन्यूस घूमने के कारण पानी का ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़िया लेवल पे रहता है। okay. फिश ग्रोथ में, फिश मेंटेनेंस में, फिल्ट्रेशन और उसका वाटर चेन में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। okay. हालांकि इसके बारे में कोई बोलता नहीं है, बट ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। okay. अगर आपका ऑक्सीजन बढ़िया दे रहे हो, डिस्कस फिश ऑक्सीजन के साथ घूम नहीं रहा है, और मीडियम जो होना चाहिए वो जरूरी है। okay. तो फिल्ट्रेशन जितना बढ़िया उतना वाटर चेंज कम, डेंसिटी जितनी कम उतना वाटर चेंज कम। okay. अगर ये सब चीजें आपके जरूरत से ज्यादा लग रही है, डेंसिटी बढ़ी है, तो मैं पक्का रिकमेंड करूंगा कि 60-80% जरूरी है डेली। okay. और आपका डेंसिटी कम है और या डेंसिटी ज्यादा है और रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में आप काम कर रहे हो, रिसर्कुलेटरी और इवन से कैनिस्टर भी सेम मेथड पे काम करता है। okay. लेकिन कैनिस्टर कंप्लीट क्लोज सिस्टम में काम करता है। उसमें कंप्लीट चेंबर होता है जिससे पानी गुजरता है और मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन और साथ में केमिकल फिल्ट्रेशन भी होता है। okay. उसमें कभी कभी रेजिन्स डाला जाता है, कभी कभी एक्टिवेटेड चारकोल होता है। हाँ. जो पानी में से अनवांटेड चीजें, ऑर्गेनिक मैटर, फूल सॉय, फूल स्मेल, वो सब निकल जाते हैं। okay. तो फिल्ट्रेशन एक खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। okay. तो जितना बेसिक और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन जरूरी है डिस्कस के लिए, उतना डिस्कस फिश आपका हेल्दी रहेगा। केमिकल और फिजिकल का तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन इट इज नॉट दैट रिक्वायर्ड। फिजिकल तो आपका बायोलॉजिकल के साथ आ ही जाता है। ओके सर, मुझे एक बात पूछनी थी। अभी आपने जो कैनिस्टर फिल्टर मेंशन किया, हाँ, तो उसके में जो मोस्टली सिरेमिक रिंग्स, बायोबॉल्स, और जो मीडिया, एक्टिवेटेड फाइबर, ये सब, तो उसके बारे में थोड़ा क्या एग्जैक्टली क्या उसका बेनिफिशियल क्या? जनरली ये सब चीजें होती है, हाँ, तो हम लोग उसको मीडिया बोलते हैं। ओके मीडिया अलग अलग तरीके का होता है। हाँ, तो जनरली हम फिल्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से मीडिया, सॉरी फिल्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से मीडिया चेंज होता रहता है। ओके तो मैं फिल्ट्रेशन के बारे में अगर बात करना चाहूंगा, हाँ, तो फिल्ट्रेशन में दो तीन टाइप है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, वेट एंड ड्राई फिल्ट्रेशन, फ्लूइडाइज फिल्ट्रेशन, मूविंग बेड फिल्ट्रेशन, अलग अलग टाइप है। मूविंग बेड में एक जस्ट फॉर एग्जांपल K4 फिल्ट्रेशन होता है, बीड्स होते हैं जो कंटिन्यूसली पानी में घूमते रहते हैं, बेड मीडिया का घूमता रहता है। okay. वहां पे K4 यूज इस्तेमाल होता है। okay. अगर आप बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन बोलने चाहे, हाँ, तो यहाँ पे आता है आपका बायोबॉल्स, हाँ, सिरामिक रिंग, बाद में बायोस्टिक्स करके भी अभी लॉन्च हुआ है, नई नई चीजें, वो सब आ जाता है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन तभी ज्यादा कारगर होता है जहां जिस वक्त मीडिया के सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होती है। ओके और ये सरफेस एरिया जरूरत है बैक्टीरियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया को एस्टैब्लिश होने के लिए। ओके जितना सरफेस एरिया आप ज्यादा दोगे उतना वो बैक्टीरिया ज्यादा रहेगा, जितना बैक्टीरिया ज्यादा रहेगा आपका फूड वेस्ट और फिश वेस्ट कन्वर्जन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो वहां पे जरूरी है बायोलॉजिकल बैक्टीरिया। और जो लास्ट आपने बताया एक्टिवेटेड चारकोल, जियोलाइट, या और कोई रेजिन्स, एक्टिवेटेड रेजिन्स, ये सब चीजें आ जाता है केमिकल फिल्ट्रेशन। जो केमिकली आपके टैंक में जो ऑर्गेनिक मैटर या मतलब हर मीडिया का खुद का एक काम होता है। जियोलाइट बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन का भी, सॉरी बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, और जियोलाइट अमोनिया रिडक्शन का भी काम करता है। इजिली बहुत तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। रेजिन भी वही काम करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करता है, ऑर्गेनिक अनवांटेड स्मेल वगैरह जो पानी में आती है वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हर मीडिया का अपने अपने हिसाब से काम अलग है। सर तो फिर अगर कैनिस्टर का ऑप्शन टॉप फिल्टर भी, मतलब अगर वाटर वॉल्यूम कम है तो वो यूज कर सकते हैं? जरूर जरूर। जो मैंने रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बताया उसका सबसे छोटा मॉडल जो होता है दैट इज टॉप फिल्टर। ओके ओके जिसमें आपका पानी एनवायरनमेंट को एक्सपोज भी हो रहा है, हाँ, तो उसके साथ ऑक्सीजन भी बढ़िया मिक्स हो रहा है पानी, हाँ, में, हाँ, और वो पानी में एक टाइप का झरने की तरह पानी, हाँ, अगर गिर रहा है, हाँ, तो इट इज ऑल्सो गुड। ओके इट विल क्रिएट वन मोर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन घुलने की जो प्रक्रिया है पानी में, okay. तो बहुत अच्छी होती है। सर एक और एक बात पूछनी थी, हाँ, अभी हम लोग फिल्ट्रेशन और वाटर चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें फूड कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? मतलब एनिमल हार्ट मिक्स देखते रहेंगे तो कितना वाटर चेंज करना चाहिए, या ड्राई फीड पे वो डिपेंड होता है, या? हाँ वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। ओके जितना आप
फ्रोजन फूड में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हार्ट मिक्स अगर दे रहे हो या आर्टिमिया दे रहे हो, तो उसमें चांसेस आर ब्राइट कि ड्यूरिंग द प्रोसेस वो हार्ट मिक्स में बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, तो वो आपके फिल्ट्रेशन मीडिया में रह सकते हैं, वो आपके कैनिस्टर को चोक कर सकते हैं। तो अगर वो आप रेजिंग में हैं और आप ये मटेरियल एनिमल हार्ट मिक्स और वेट फॉर्म ऑफ ये इस्तेमाल कर रहे हो फ्रोजन फूड, तो वहाँ पे आपको बायोलॉजिकल सॉरी मैन्युअली वाटर चेंज देना ज्यादा जरूरी बन जाता है। ओके, अगर आप ड्राई फीड पे काम कर रहे हो तो ड्राई फीड में आपका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 100% होता है। ओके, सस्पेंडेड पार्टिकल कम हो जाते हैं क्योंकि जो मार्केट में ब्रांडेड फूड है उसमें उनकी बनावट ही ऐसी है कि वो पानी में जल्दी उसमें पानी सोख हो लेकिन वो पानी में डिसइंटीग्रेट ना हो, पानी में फैले ना। Okay. तो आपका फूड भी आप वैसे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो जो पानी में बहुत कम जल्दी मिल जाता है। Okay. अगर आप ब्रांडेड फूड देखोगे तो जनरली सिंक होके बैठ जाते हैं, वो मिक्स नहीं होते। हालांकि हार्ट मिक्स का वैसे नहीं होता, हार्ट मिक्स थोड़ी देर के बाद पानी में जैसे डिस्कस खाने लगता है वो थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो मिक्स होता है। और जो आपने तीसरा बोला लाइव फीड मतलब जो डिस्कस का सबसे बढ़िया फूड बोला जाता है ड्राई फूड, लेकिन उसको सबसे बड़ा ना है क्योंकि वो अपने यहाँ पे उसका सोर्स बढ़िया नहीं, बिल्कुल अपने यहाँ से जो सोर्स जो है दैट इज नॉट मेंट और दैट इज नॉट गुड फॉर कैप्टिव जो टैंक में डिस्कस रख सकते हैं उसके लिए, बिकॉज ऑफ पैरासाइट और ना जाने क्या क्या आपके टैंक में आ सकता है, पैरासाइट्स पैथोजेंस वायरसेस बैक्टीरिया बहुत सारी चीजें आ सकती है। इट्स बेटर टू अवॉइड लाइव फूड, बट जैसे साइंस बताता है कि लाइव फूड जो है दैट इज डिस्कस का नेचुरल फूड, उसमें आपका पानी बहुत कम खराब होता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने पास सोर्सेस नहीं है तो सोर्सेस अच्छे नहीं है तो आई विल नॉट एडवाइज कि आप लाइव फूड को जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। राहुल सर, आप थोड़ा डिस्कस फिश फूड के बारे में थोड़ा बता पाएंगे? ये ज़रूर। डिस्कस फूड हम तो यहाँ पे डेली 3 to 4 times हार्ट मिक्स यूज़ करते हैं। ओके। और उसके बाद पोस्ट साइफनिंग हम लोग ड्राई फूड यूज़ करते हैं। ओके। ड्राई फूड में मैं थोड़े अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। ओके। तो हम कभी हिकारी बायोगोल यूज़ करते हैं, सेरा डिस्कस ग्रैनुलेट यूज करते हैं, JBL ग्रैनुलेट यूज करते हैं, ट्रॉपिकल D50 भी यूज करते हैं। Okay. तो जनरली एक तो फर्स्ट रीजन कि अपने यहाँ पे थोड़ा मार्केट सप्लाई के हिसाब से स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, कॉस्ट के हिसाब से स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। हर इसका कॉस्ट और हर एक का वैरायटी अलग है, बट जो मैंने मेंशन करे हुए उसके सबके रिजल्ट्स मुझे बहुत बढ़िया लगे हुए। तो पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ हिकारी बायोगोल्ड एंड सेरा डिस्कस ग्रैनुलेट। और जो मैं हार्ट मिक्स के बारे में बता रहा था, मैं हम लोग हार्ट मिक्स खुद के लिए बनाते हैं। Okay. खुद का ओन प्रोडक्ट है। हाँ। जो लगभग 5 to 7 years से स्टैंडर्डाइज करते 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 अभी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल पे पहुंचा हुआ है। Okay. तो जनरली डिस्कस हार्ट मिक्स में क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप वेन्स और फैट क्लीन करते हो। हाँ। वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। हाँ। और जो ग्राइंडिंग में एक्चुअल ग्राइंडिंग नहीं होता उसमें मीन्स खीमा जो होता है खीमा की तरह होना चाहिए। डिस्कस मिंसर बोलते हैं, सॉरी नॉट डिस्कस मिंसर, मीट मिंसर, जिसमें पार्टिकल कंप्लीट पेस्ट नहीं होती। Okay. एक
थोड़ा ग्रैन्यूल ग्रैन्यूल जैसा होना चाहिए, वो पेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो हम लोग बहुत ध्यान रख के काम करते हैं। ओके, ओके। साथ में उसके साथ स्पिरुलिना। सो उसका रीजन क्या है, मतलब जनरली वो पेस्ट नहीं होना चाहिए, पानी में जल्दी मिल जाता है। ओके, और ओके, जो डिस्कस है वो चर्निंग मैकेनिज्म से खाता है। ओके, अगर आपने आपका डिस्कस कुछ ऑब्जर्व किया होगा तो जनरली वो खाता है, वापस स्पिट आउट करता है, बाहर निकलता है उसका खाना, वापस वो लेता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ चर्निंग मैकेनिज्म जो एक साथ नहीं खा सकता। ओके, और उसके लिए अगर आप टेस्ट करोगे तो फर्स्ट इनटेक के बाद जब वो फूड बाहर फेंकेगा तभी सब पानी में मिल जाएगा। Okay, और पानी खराब हो जाएगा। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, ओके। तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और हम लोग सम स्पेशलाइज मटेरियल यूज़ करते हैं जो डिस्कस फ्लेक्स के टाइप में आता है। हाँ, तो वो फ्लेक फूड हम ग्राइंड करके इस्तेमाल करते हैं एज अ बाइंडर। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर आप डायरेक्टली फ्रीज करोगे और उसमें पानी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो आपका फूड जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आप पानी की मात्रा मेंटेन कर रहे हो, वो जनरली से बोला जाता है कि हार्ड होना चाहिए लेकिन हाथ को चिपकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, दिस इज द परफेक्ट मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग डिस्कस फूड। ओके, तो वो कर दें, वन और टू क्लव्स गार्लिक डालते हैं एक केजी के बीच में। तो गार्लिक का क्या बेनिफिट है? गार्लिक खुद में एक पेट के लिए अच्छा होता है डिस्कस के लिए, और उसकी खुद की बहुत एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फॉर एग्जांपल आप अगर गार्लिक यूज़ करते हो, स्पिरुलिना यूज़ करते हो, तो आपको ये स्टैंडर्डाइज रख के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिस्कस के खाने में एक पिक्यूलियर टेस्ट क्रिएट करती है। ओके, अगर ये चीज़ें बार बार बदल रही है तो शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि आज आपका डिस्कस फूड खाएगा, कल नहीं खाएगा। तो वो टेस्ट आपको स्टैंडर्डाइज करना है। फॉर एग्जांपल आगे जाके अगर कुछ आपका डिस्कस को आपको एनिमल हार्ट मिक्स का आगे पीछे हो रहा है, तो अगर ये चीजें स्टैंडर्डाइज है, स्पिरुलिना एंड गार्लिक, तो आपके डिस्कस के लिए वो टेस्ट सेम रखेगा। okay, और आपका डिस्कस फिश रेडिली फूड एक्सेप्ट करेगा। okay, okay। और सालों की रिसर्च के बाद हमें ये पता चला है कि डिस्कस एनिमल हार्ट जो होता है, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल, और उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती। जैसे कि विटामिंस नहीं होते, कुछ स्ट्रेस एलिमेंट्स नहीं होते। okay, और अमाइनो एसिड्स सबसे ज्यादा जरूरी है। okay, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अमाइनो एसिड्स मरीन ऑर्गेनिज्म से आता है। uh-huh, तो उस हिसाब से हम लोग सम फॉर्म ऑफ ब्लैक अलगल पाउडर यूज करते हैं अपने फूड में। okay, जो उसका अमाइनो एसिड कंटेंट मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करता है। okay, तो फिलहाल तो हम लोग वी आर सक्सेसफुल टू मेंटेन लाइसिन कंटेंट, वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मिथियोनिन ऑल्सो। तो लेट्स सी, ये ट्रायल एंड एरर बेस से हम लोग ने सीखा हुआ है जो हमारे डिस्कस के शेप, साइज और कलर और पैटर्न के लिए काम करता है। okay, okay। तो हम लोग एक्स्ट्रा बूस्टर्स नहीं मिलाते अनलेस एंड अंटिल कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। okay, और आपने जो भी अभी फिश देख रहे हो, हाँ, वो ऑल आर नेचुरली रेज, नेचुरली कलर गेन किए हुए मछली है जो हमारा स्टैंडर्डाइज फूड खाते हैं। राहुल सर, मुझे एक बात पूछनी थी, अभी जो आपने एनिमल हार्ट मिक्स जो मेंशन किया, तो वो आप सेल भी करते हैं क्या? हाँ, हम लोग सेल भी करते हैं। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया शिपिंग पॉसिबल? नहीं, जनरली ड्यू टू पैंडेमिक वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में है। ओके, और वी ट्राई टू मेक श्योर जहाँ पे 10 से 12 घंटे में अगर डिलीवरी हो सकते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे हम लोग शिप करते हैं। बट ऑल ओवर मुंबई वी आर करेंटली फोकसिंग कि बाबा वहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। और सर, आपके जो फिशेस है उसका डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया करते हैं? ऑल ओवर इंडिया करते हैं हम लोग। okay, फिशेस का डिलीवरी भी। okay, और फ्रॉम अपने यहाँ पे फिशेस 1 इंच से 3 इंच तक फिशेस रहते हैं फॉर सेल। ओके, और ब्रूड स्टॉक भी रहता है, बट ब्रूड स्टॉक वी आर नॉट एबल टू मेंटेन कंटिन्यूस सप्लाई ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट इन मुंबई सिटी। लेकिन हाँ, वी ट्राई टू मेक श्योर कि ऑल ओवर इंडिया एटलीस्ट मेजर सिटीज में तो हम लोग पहुँच रहे हैं। वी आर करंटली सप्लाइंग टू कोलकाता, चेन्नई, गोवा, पुणे, बेंगलोर एंड दिल्ली। राहुल सर, मुझे एक बात पूछनी थी, अभी एज अ ऑब्वियस पॉइंट ऑफ व्यू, कोई कोई ऑब्वियस जो डिस्कस लेके जाते हैं तो वो तो मोस्टली एनिमल हार्ट मिक्स फीड नहीं कर पाते। हाँ, तो उसके लिए ड्राई फीड में मतलब क्या ऑप्शन, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जिस किसी से भी अगर आप डिस्कस ले रहे हो, हाँ, तो उसको पहले बताओ कि उसको, हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। okay, आप एनिमल हार्ट मिक्स दे पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? हाँ, तो बहुत टाइम क्या हो जाता है कि अगर आपका सप्लायर एनिमल हार्ट मिक्स फीड कर रहा है, हाँ, और सडनली वन फाइन डे वो फिश आपके पास आ जाता है और आप बोलते हो कि नहीं, वो टेट्रा नहीं खा रहा है, हाँ, वो हिकारी नहीं खा रहा है, तो वो डिफिकल्टी आ जाती है। बिल्कुल, तो एनिमल हार्ट खिलाते खिलाते वो बंदा जो सप्लायर है उसे एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा ड्राई फूड के लिए जो आप खिला पाओ।
बिल्कुल मे बी आप हिकारी बायोगोल्ड खिला पाओगे, सेरा ग्रैनुलेट खिला पाओगे, डिस्कस D50 खिला पाओगे जो ट्रॉपिकल का अच्छा प्रोडक्ट है। ये सब ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिसमें मोर और लेस हर चीजें इन्वॉल्व्ड है। लेकिन अगर आप एज अ हॉबीज पर्सपेक्टिव देखो तो वो स्टैंडर्डाइज, वो एक्लेमेटाइजेशन प्रोसीजर जरूरी है। डिस्कस जनरली अगर भूखा रखे, डिस्कस ही क्या, कोई भी बंदा अगर भूखा रहेगा तो जो सामने आएगा वो खा लेगा, बट वो थोड़ा अनएथिकल हो सकता है। तो इनिशियली अगर आपके सप्लायर को आप रिक्वेस्ट करो कि मैं बाबा ये फूड ड्राई फूड दे सकता हूँ, और ऑस्ट्रेलियन ब्लैकवर्म भी अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ब्लैकवर्म, तो ये फूड आपका सप्लायर अगर उसको देगा एक हफ्ते भर या दो हफ्ते, तो आपका फिश वो खाने के लिए एक्लेमेटाइज हो जाए, तो वो आपके लिए भी आसानी होगी और सामने अपने फिश के लिए बहुत बढ़िया होगा, एथिकली वो कन्वर्ट हो जाए। सर अभी जो हॉबीज का ही पॉइंट निकला है तो और एक बात मैं पूछना चाहूँगा सर, हाउ टू सिलेक्ट, मतलब हॉबीज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो शॉप में जाएगा तो क्या बेसिक पॉइंट उसने देखने चाहिए कि वो डिस्कस बेस्ट है बाय करने के लिए? बहुत, तो मतलब एज अ हॉबीज पॉइंट देखने तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि इंस्टिंक्ट होता है कि हम लोग जाते हैं और हमें वो मछली को कनेक्ट हो जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम लोग वो मछली को कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप वो मछली को कनेक्ट हो रहे हो तो यस वो फिश आपका है, लेकिन उसको साथ साथ आपको उसका शेप देखना है। बिल्कुल, शेप डिस्कस का नेचुरल शेप डिस्क लाइक है, इसके लिए उसका नाम है डिस्कस। एग्जैक्टली, और देयर आर अदर वराइटीज ऑल्सो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं, जैसे बुलडॉग है, जैसे और वराइटी है, शॉर्ट बॉडी है, आई बॉडी है, बट कंजर्वेटिव एक्वेटिक्स में हम लोग वी आर फोकसिंग टू स्टैंडर्डाइज द राउंड शेप ऑफ डिस्कस। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि राउंड शेप लो, उसका आई से जो बॉडी का रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, आंखें ज्यादा बड़ी नहीं दिखनी चाहिए, उसका फिन स्ट्रक्चर बराबर होना चाहिए, फिन्स कहाँ से कटा हुआ है क्या, फिन्स के आगे स्पाइन्स होते हैं, वो स्पाइन्स का स्ट्रक्चर बराबर होना चाहिए, वो सब स्पाइन के साथ आगे फिन कंटिन्यू हो रहा है क्या, तो वो स्ट्रक्चर देखना चाहिए। सबसे जरूरी है गिल्स, गिल्स मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिकली या कभी कभी गलत प्रैक्टिस के वजह से उसके गिल फूल जाते हैं, और नहीं तो गिल कट हो जाते हैं। अगर वो ऑलरेडी डिजीज्ड है तो आपको लेटर स्टेज में पता चलता है कि उसके गिल ओपन है, उसके रेड कलर का कंप्लीट गिल पार्ट जो है वो ओपरकुलम ना होने के कारण दिख रहा है, गिल अंदर ही होता है लेकिन ओपरकुलम कट हो जाता है, तो छोटे में आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, क्योंकि छोटे मछलियां जनरली ज्यादा हाफती है क्योंकि वो ज्यादा खाना खाती है, हर दो दो तीन तीन घंटे के बाद खाना खाती है, तो दैट इज ओके, बट उसमें भी एक इक्विलिब्रियम है, उसके आगे नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एज अ हॉबीज पर्सपेक्टिव देखने जाओ, जैसे मैंने चीजें बताया कि गिल्स बराबर बंद होने चाहिए, गिल फिलामेंट आपको दिखता है वो पूरा गिल कवर करने वाला होना चाहिए। ओके, उसके साथ ब्रीदिंग चेक करो, ब्रीदिंग मछली बहुत जोर जोर से हाफने वाली मछली नहीं चाहिए, आपको पता चलेगा कि ये कामली रेस्पिरेशन कर रही है, प्रॉपरली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही है, तो दैट इज बेस्ट। मोमेंट देखो, मोमेंट मछली इजिली घूमनी चाहिए, जनरली झटकने वाली मछली नहीं चाहिए, बॉडी जनरली झटकती है, आप थोड़े देर अगर आप 5 से 10 मिनट भी अगर फिश को ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि फिश अगर बॉडी ब्रश कर रही है क्या, गिल ब्रश कर रही है क्या, स्केल्स पे ब्रशिंग हो रहा है क्या, एक अनयूजुअल मोमेंट कुछ झटका देके स्विम कर रही है क्या, ये सब कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीजें जो बहुत जरूरी है। थैंक यू राहुल सर, आपने डिस्कस निंजा के लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। नहीं एक्चुअली मैं आपको ज्यादा मतलब ज्यादा मैं कन्वे नहीं कर पाऊँ, लेकिन थैंक्स टू डिस्कस निंजा, जितने अपने बिजी समय में अपना समय बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हमें अप्रोच किया, हमारा इंटरव्यू लेना लिया, तो थैंक्स टू डिस्कस निंजा, और ये दोस्ती और ये रिलेशन ऐसे ही बढ़ता रहे। बिल्कुल सर, एंड आई विल looking forward for many more successful videos from you. बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मुझे एक बात पूछनी थी, अभी जो हमारे व्यूअर्स है हॉबीज करेंगे तो उनको आपको कॉन्टैक्ट करना रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बता पाएंगे? जरूर, मेरा इंस्टा हैंडल और व्हाट्सएप नंबर में शेयर करने के लिए बता दूंगा। बिल्कुल, और फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक्स में हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आई विल रिक्वेस्ट डिस्कस निंजा टू डू दैट। श्योर सर, एंड कभी भी कॉल कीजिए फिश के बारे में, एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपके क्वेरीज या आपके सवालों के जवाब पूरी तरह दे पाऊँ। बिल्कुल सर, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी विद रिस्पेक्ट टू एनिमल इंडस्ट्री, सॉरी एनिमल वर्ल्ड एंड डिस्कस एंड फिश कीपिंग। सर इवन फिश फूड या फिश जो आपका स्टॉक मतलब जो जरूर इंटरेस्टेड है उसके लिए भी? यस यस,
तो जनरली आपको सब अपडेट्स अपने सोशल मीडिया इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, तो आप जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए. अगेन थैंक यू डिस्कस निंजा फॉर मेकिंग दिस इवेंट पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच राहुल सर. थैंक यू. उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप राहुल सर की बातों से फिल्ट्रेशन, वाटर चेंजेस, डिस्कस फिश फूड एंड हाउ टू सिलेक्ट डिस्कस के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. राहुल सर का लर्न एंड अर्न इंटर्नशिप प्रोग्राम का वीडियो भी चेक करना ना भूले. उसका लिंक्स और मेरे बाकी के वीडियोज़ के भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन किए हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.